अब तो कान्हा का यह नटखटपन कुछ अधिक ही बढ़ गया है। आने दो आज, आने दो, देखती लगता है वो सब गोपियां यहाँ आ गए हैं। मैया, ओ मैया, मैया, क्या है, क्यों चिल्लाए जा रहा है? बहुत भूख लगी है मैया। कुछ नहीं दूंगी तुझे, अब तक तू केवल गोपियों की मटकी फोड़ता था, माखन चुराता था। परंतु मैया, मैं तो आज मैं तेरी बात नहीं सुनूंगी, पड़ा रह भूखा। अरे अरे, उन गोपियों ने तो आकर मैया को सब बता दिया और मेरे सामने कान पकड़ के वचन दिया था कि कुछ नहीं कहेंगी। ओ मैया मैया, ओ मैया मैया मैया, ना चिल्ला, जा दूसरे के घर माखन चुरा। यह क्या, मैया तो अधिक क्रोधित हो गई हैं। तो ठीक है, पहले मुझे भोजन तो दे दे, फिर क्रोधित हो जा, मैं भी भूखा थोड़ी ना रहूंगा। चला गया क्या, बड़ी शांति सी है, मैं भी क्या बावली हूँ, आते ही क्रोधित हो गई, भूखा प्यासा आया था, भोजन भी नहीं किया। जाकर देखती हूँ, अरे ओ कान्हा, कान्हा, ओ कान्हा। अच्छा, अरे अच्छा, तो यह बात है, भूख के मारे रूठ गया मेरा लल्ला। कान्हा, ओ कान्हा, कान्हा, ओ कान्हा, मैं तेरी चिंता में यहाँ मरी जा रही हूँ और तू यहाँ बंदरों को माखन खिला रहा है। चल चल, तू घर अभी बताती हूँ। सुनो तो मैया, सुनो तो मैया, मैया, सुनो तो मैया, आज मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगी, बहुत उदंड हो गया है तू। उल्हा ने सुन सुनकर मेरे कान फट गए हैं। कभी किसी के घर माखन चोरी करता, कभी किसी की मटकी फोड़ देता। रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाया। रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाया। जानते हैं सब, सबको ना।